चाहिए, किस रूप में देखते हैं इस घटना को और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जवानों को बहुत बधाई दूंगा और बहुत बहादुरी से लड़े और बड़ी सफलता हासिल की है। जो लगातार जो हम लोगों के शासन काल में जो उनके नक्सलियों के मान में घुस के अटैक करने की नीति रही है उसका ये परिणाम है। और कोई हताहत नहीं हुआ, 3 जवान ही केवल घायल हुए हैं, ये संतोष की बात है। और 29 नक्सलियों की मौत ये बड़ी खबर है। लेकिन कल कवर्धा में जो आपने बयान दिया था कि फर्जी मुठभेड़ हो रहा है, कल बयान दिया था ना फर्जी मुठभेड़ तो हुए ना, डिप्टी सीएम का भी आज और आरोप लगाया कि आप सबूत ला करके दे अगर फर्जी मुठभेड़ हो रहा है तो, डिप्टी सीएम का आज ये कहना। इसके पहले जो हुआ जो बताया वो नक्सली नहीं थे, उसको मारा गया, एक कांकेर में हुआ है, उसके परिवार के लोग आए थे, उनके पास आधार कार्ड सब है। और कितने उदाहरण चाहिए उनको फर्जी मुठभेड़ के, रमन सिंह के कार्यकाल के और अभी के भी, ये लाख दे देंगे उसमें क्या है? गिरफ्तारियां भी हुई, फर्जी मुठभेड़ भी हुआ। सुशील आनंद ने भी ये कहा था कि हमारे इस सरकार के समय में 80% जो है नक्सली गतिविधियों में कमी आ गई थी। बिल्कुल सही बात। उसके बाद में अरुण साहब का लाया था तो उनका कहना कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है, हमारे 15 साल के कार्यकाल में सरगुजा में नक्सली मूवमेंट हुआ, खत्म किया गया और बस्तर में कुछ बचे हैं, आपके कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ। कल अरुण साहब का बयान है, मतलब ये तो मूर्खता की हद है। रिकॉर्ड निकाल ले विधानसभा में कितने बार जवाब दिया गया। और बड़ी बात यह है कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में लगातार ऐसा कोई सत्र नहीं जाता था जिसमें स्थगन और ध्यानाकर्षण नहीं लगता था। पहली बार पिछले पांच साल में नक्सली के बारे में एक भी न स्थगन लाए न ध्यानाकर्षण लाए लोग 5 साल में, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? नहीं तो कोई भी नेता के पत्रकार वार्ता होती थी सबसे पहले नक्सली समस्या की चर्चा होती थी, लेकिन उसके 5 साल में वो आखिरी में सवाल पूछते थे नक्सलियों के बारे में, हमने इतना पीछे धकेल दिया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।